राहुल नागवेकर ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट से हमारे जो मित्र है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, इनको सदमा पहुंचा है। अपेक्षा कर रहे थे कि सही निर्णय होगा, लेकिन फिलहाल वो सही निर्णय नहीं दिखाई देता है। हम उनके साथ में सहानुभूति पूर्वक है, उनकी परिस्थिति समझ सकते हैं और राजनीति में जो समझौता हुआ उसका अदा भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक कानूनी बात अगर कहूँ, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो गलत हो या सही हो, पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे की सही पार्टी है ऐसा कहने के बाद, मैं समझता हूँ कि औपचारिकता ही बची हुई थी ये अर्जी डिस्क्वालिफिकेशन का निकाल निकालने के लिए। पता नहीं राहुल नागवेकर ने इतना वक्त क्यों लगाया, वो जल्दी भी लगा सकते थे और निर्णय यही अपेक्षित, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जब पार्टी और सिंबल दोनों एकनाथ शिंदे के साथ में है ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो उनके दल की जो कार्रवाई है वही सही कार्रवाई मानने के अलावा नागवेकर जी के पास कोई रास्ता नहीं था, और इसलिए ऐसे डिसीजन में जो है वो स्पीकर ने पहले ही डिसीजन देना चाहिए, ये एक बात में क्या अधोलिखित हो गई है, इसको मैं नमूद करता हूँ। लेकिन इस खासियत इस जजमेंट की जो है वो 500 प्लस 1000 इन आंकड़ों में है। लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा।